हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल कबूतर केयर दिल्ली में आपका स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं भाई अपने कबूतरों के लिए कुछ स्पेशल सी चीज़ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आज अपने कबूतरों को खिलाएंगे भाई, मैं बताऊँगा अभी उसे खिलाने के क्या फ़ायदे होते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए वीडियो को पूरा देखें, मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या चीज़ लेकर आया हूँ, उसके फ़ायदे भी जाने। और भाई जो भी मेरा भाई चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करें। ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहती है कबूतर भाई से रिलेटेड, जो भी भाई मेरा देखने जाता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। भाई तो दिखाता हूँ मैं क्या लाऊँ अपने कबूतरों के लिए, आप भी खिला सकते हैं अपने कबूतरों को। ये देख लीजिए भाई, ये इसके अंदर है जो माल पानी में लेकर आऊँ कबूतरों के लिए, ठीक है। इसके अंदर है तो मैं इसे अनबॉक्सिंग करता हूँ, इसकी क्या चीज़ है आप देखते रहें और वीडियो में मज़े लें, ठीक है भाई। तो दिखाता हूँ मैं खोल के, तो ठीक है भाई अब ओपन करता हूँ मैं आपके सामने। तो यह है इसके अंदर, ये डब्बा लेकर आया हूँ अपने कबूतरों के लिए, यह है स्पेशल चीज़ आज की, ठीक है। आज की वीडियो अलग ही होने वाली है, कुछ वीडियो में एंड तक ही बने रहें भाई, वीडियो में मज़ा आएगा। अब देखें क्या निकलता है, खुल जा सिम सिम, खोल लेते हैं कबूतरों के, आज मज़े आने वाले हैं। इधर को आ जाओ जरा, ले देखो आ जाओ भाई। तो भाई आज खाएंगे कबूतर लड्डू, पूरा डब्बा ही उठा लाया मैं, डब्बा ही खिलाएंगे आज, जितना खाएंगे उतना खिलाएंगे, डब्बा तो खिलाएंगे नहीं, कुछ मैं भी खाऊंगा भाई, है नहीं, जितना खाएंगे उतना खिलाएंगे। लेने गया था भाई मैं आज कबूतरों के लिए लड्डू लेकर आया हूँ, अब खिलाएंगे ना, फ़ायदा भी बताएंगे किस लिए खिलाए जाते हैं कबूतरों को लड्डू। ये देख लीजिए, मैं अपने कबूतरों को पहले बाहर कर देता हूँ। ये देख लीजिए भाई, अब ये देखना लड्डू खिलाने के भाई पहले फ़ायदे जाने, फिर मैं खिलाऊंगा। तो भाई जो है लड्डू इसलिए खिलाए जाते हैं अपने कबूतरों को, लड्डू या मीठा कोई सा भी दाना ले लें आप, इसलिए खिलाया जाता है छत पे पक्का करने के लिए, ठीक है। गोलेबाज जो भाई मेरा भाई है या काबली वाबली जो भी पालता है, ज़्यादातर गोलेबाज भाई जो होते हैं नई टुकड़ी लेकर आते हैं अपना शेड करने के लिए टुकड़ियों को, तो भाई वो लड्डू ज़रूर खिलाते हैं अपने कबूतरों को, लड्डू मीठा दाना या फिर आपको बाजरे में जो जलेबी का सिरका होता है वो भी मिला के देते हैं, मीठा दाना जरूर देते हैं गोलेबाज भाई, ठीक है। या अपने काबली कबूतरों को, मद्रासी कबूतरों को भी आप दे सकते हैं लड्डू मीठा दाना ज़रूर दें, ठीक है। आपके जैसे कोई सा कबूतर रात रह जाता है भाग जाता है तो उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप मीठा दाना देते हैं, अगर उसको उस टे पर दाना नहीं मिलेगा ना वो दाना, तो उसे याद जरूर आएगी कि मेरी उस वाली टे पर मेरे को तो भाई लड्डू मिलते थे, मीठा दाना मिलता था, ठीक है। नहीं मिलेगा तो भाई वो 100% आपकी छत पर जरूर आएगा कि मेरे को तो वो दाना बहुत पसंद था, क्योंकि बाजरा गेहूँ तो हर कोई देता है, मीठा दाना भाई हर कोई नहीं देता, ठीक है। लड्डू हो गया या कुछ भी मीठा दाना आप ले सकते हो, मीठे दाने रोटी भी बना लेते हैं चीनी की, ठीक है, मीठा दाना जरूर दें। अब मेरे कबूतर देख लीजिए इधर घूम रहे हैं सारे, अभी ना मीठा दाना खिलाएंगे, ये लड्डू इन्हीं के लिए लेकर आया हूँ, अब जितने खाएंगे खा लेंगे, बाकी मैं भी खा लूँगा और इन्हें खिलाएंगे, ठीक है। तो आप हफ्ते 15 दिन में जरूर दें, आइए। तो अब खिलाते आओ, बेटा ये देख लीजिए भाई, खाने खा रहे मेरे सारे कबूतर, अभी सारे आ जाएंगे, डर रहे हैं। आ बेटा ये देख सकते हो खा रहे हैं सारे कबूतर, अभी डर रहे हैं कैमरे की वजह से, मैं पास में बैठा हूँ इनके। अब जितना परंत कबूतर खाएगा आपका गर्दन हो जाएगा, भगने का बहुत कम चांस होते हैं कबूतर, अगर रह भी जाएगा ना भाई जरूर भगकाएगा। इसे भी फोड़ देता हूँ, अगर आपका कोई सा कबूतर रह भी जाएगा, रात रह जाएगा या भग जाएगा तो आने के चांस ज़्यादा होते हैं, अगर उस टेप का वो पक्का भी हो गया ना, उसको कभी ना कभी अपने मीठे दाने की याद जरूर आएगी, लड्डू की, या आप जो भी मीठे दाना दे सकते हो लड्डू भी दे सकते हो, ये बेसन के लड्डू हैं ये दे रहा हूँ मैं, 1 किलो का डब्बा पूरा लाया हूँ मैं कबूतरों के लिए, ये कबूतरों को दे रहे हैं हम लड्डू, ये देख सकते हो सारे कबूतर खा रहे हैं हमारे, अभी एक मादी नहीं है कल सिरी उड़ गए, इसे भी दे रहे हैं। परंत कबूतरों को जोड़ा वालों को सबको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जितना, लेकिन परंत कबूतरों को ज़्यादा दिए जाते हैं क्योंकि वो उड़ते हैं दूसरे के टेप पे ना झाके, इसकी वजह से। ये देख लीजिए 2 लड्डू हो गए, 2 बहुत हैं, बाकी शाम को खिलाएंगे, हफ्ते 15 दिन में दे सकते हो आप, ये देख लीजिए, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कबूतरों को, ये देख लीजिए, आ बेटा ये सारे कबूतर खा रहे हैं, अभी मेरे कुछ कबूतर डर रहे हैं, बाकी सारे कबूतर अभी ये चटपट कर जाएंगे क्योंकि मैं खिलाता रहता हूँ इन्हें, हफ्ते भर में जरूर खिलाते हैं आप, ये
देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका भाई, ज़रूर इसे दें आप अपने कबूतरों को। ये देख लीजिए सारे कबूतर कैसे सेट होकर खा रहे हैं भाई, गोलों की टुकड़ियाँ ऐसी तो सेट करते हैं भाई। उन्हें मीठा दाना जरूर देते हैं, लड्डू देते हैं, मोतीचूर का लड्डू ले सकते हो, मैंने बेसन का लिया, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा कबूतरों को, कोई सा भी लड्डू ले सकते हो आप, ज़रूर से दें, गर्दान होएगा आपका कबूतर, इससे भागेगा नहीं छत पर, पक्का जल्दी हो जाएगा। आप नए पट्ठों को दें, नए कबूतरों को, परंद कबूतरों को भी जरूर दें, अपने गर्दान कबूतरों को भी दें, सब कबूतरों को, जोड़ वालों को भी दें, इससे कबूतर चटक में भी रहेगा, बढ़िया रहेगा, एकदम चटक बेहतरीन रहेगी इसमें। यह सुस्त कबूतर हो जाता है, दाना वाना नहीं खाता, कम दाना खाता है, तो इसी की वजह से हो जाता है। उसे दाना भाई अलग भी दें, बाजरा गेहूँ खा के, मक्का चने वने खा के कबूतर बोर भी हो जाता है, तो इसलिए मीठा दाना भी जरूर देते हैं उसे कबूतरों को, अलग अलग दाना खाएगा कबूतर तो सेट रहेगा। मेरे सारे कबूतर ही खा रहे हैं, ये देख लो कितने शौक से खा रहे हैं। ठीक है भाई, अभी एक कबूतर ये आया उड़ के, एक ये उड़ के आया अभी, अब ये भी लग जाएगा अपने काम पे। ये कबूतर मैंने खाली पेट भर दिया था इनका, दाने खिलाने के बाद खिला रहा हूँ, आप खाली पेट भी खिला सकते हो, कोई दिक्कत ना। ये देखो कितना शौक से खा रहे हैं मेरे कबूतर। ठीक है भाई, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर, अपने भाई के चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, तो इससे गर्दान हो जाएंगे आपके कबूतर, जरूर से खिलाए कबूतर आपका, रात में रात रह जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा, या बेक देंगे आप अपने कबूतर को, तो आपका कबूतर लौट के आने के चांस ज़्यादा होते हैं, आता ही है। बाकी अगर उस टाइप पर नहीं मिल रहा वो दाना जरूर आएगा, यानी नस्ल की बात होती है, नस्ल तो जरूर आ जाती है। वैसे ही बिना मीठे दाना खिलाए, मीठा दाना चटक के वजह से भी खिलाता हूँ, गर्दान की वजह से भी खिलाते हैं, गोलेबाज ज़्यादा खिलाते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं, बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो वाली कैसी लगी आपको। तो ये रहा इनका डब्बा पूरा, यही खाएंगे अब, शाम को भी एक दो लड्डू खिला दूंगा, बाकी फिर दो तीन दिन बाद खिलाऊंगा, हफ्ते में एक दो बार खिला सकते हो आप इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है लड्डू को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।